बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और हमारे साथ नए मंत्री बनाए गए हैं नरेंद्र नारायण जी, उनसे हम बात करते हैं। पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पत्रकार महोदय, जो भी जिम्मेदारियां मुझे दी जाएगी, मैं प्रयास करूंगा उस विभाग के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम हैं, जो नीतियां हैं, उसको सरजमीन पर हम लागू करें आके। और लोकतंत्र का यही तकाजा है कि जो लोकतंत्र में जनता मालिक है, जिन्होंने बहुत बड़ा मैंडेट बिहार में हम लोग को दिया है आके, और उसके सपने के, उसके अरमानों को हम सरजमीन पर उतारें, ये भरसक प्रयास करेंगे, खून पसीना जला करके भी प्रयास करेंगे उसमें आके। क्या मंत्रालय मिलने वाला अभी बताया गया आपको? कि पत्रकार जी, मुझे नहीं बताया गया अभी तक आगे। जो भी जिम्मेदारियां दी जाएगी, कोई विभाग बड़ा नहीं होता है, छोटा नहीं होता, विभाग बड़ा होता है, काम करने की तमन्ना होनी चाहिए आदमी। आप आलमनगर के से विधायक हैं, मधेपुरा में जिस तरीके से जेडीयू की बड़ी जीत हुई, क्या उसका ये रिवार्ड मिला है आपको? पत्रकार जी, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं आप इस जगह पे। हम लोग सतत दल के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, नहीं भी मंत्री थे तो पता लगा लेंगे आके, सदन के अंदर और सदन के बाहर दल के लिए और आम लोगों के लिए मैंने हर हमेशा काम किया है आके इस जगह पे। और दल का एक मैं कार्यकर्ता हूँ, दल जो भी जिम्मेदारियाँ सौंपी मैंने काम किया उस जगह पर। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारियाँ मुझे दी है और जो विभाग मिलेगा, मैं भरसक प्रयास करूंगा उनके सपनों को सरजमीन पर उतारूंगा किस जगह। पहले भी आप मंत्री रह चुके थे लेकिन बीच के वक्त में आप नहीं थे, अब दोबारा आप मंत्री बन गए हैं, कितनी बड़ी खुशी है आपके? देखिए, खुशी और गम उस व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति कुछ पाने के लिए प्रयास करता है। मैंने पहले ही कहा कि मैं जनता दल यूनाइटेड का एक कार्यकर्ता हूँ और ये मेरा 24वां साल है विधायक के रूप में आके,